तो दोस्तों आज हो गया 1 फरवरी 2021, बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी अवतार समाचार लिखा है सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में बीते 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले की जांच में पुलिस ने अब तक कुल 38 FIR दर्ज कर 84 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो फोटो और CCTV फोटेज के आधार पर पुलिस ने कई लोगों की पहचान की है और उनकी तलाश में पुलिस छापेमारी भी कर रही है। वहीं शनिवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारी FSL की 2 टीमों के साथ लाल किले भी पहुंची। पुलिस की टीम ने जहां मामले की जांच की, वहीं FSL की टीमों ने मौके से ब्लड और फिंगरप्रिंट और अन्य नमूने जांच के लिए उठाए। आपको बता दें कि कई घंटे यहां बिताने के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारी वापस लौटे। शनिवार को लाल किले में जांच के दौरान बाहर और अंदर के हिस्से में हुई तोड़फोड़ की फोटोग्राफी भी कराई गई। दूसरी बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वो खुद किसानों को बताएं कि वो कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहती है और हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे। आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड में हिंसा के कारण किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद एक बार फिर जोर पकड़ने के बीच राकेश टिकैत ने सरकार से कहा है कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है। हम किसान ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं। हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई लाठी डंडों बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती और ना ही उसको इसके द्वारा दबाया जा सकता है। किसान तभी घर लौटेंगे जब नए कानून वापस ले लिए जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर, संसद के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सांसदों को संसद के भीतर जाने को रोक दिया गया। इसके बाद आपके राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह की अगुवाई में पार्टी के अन्य सांसदों ने सेंट्रल हॉल के सामने धरना शुरू कर दिया और किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमें संसद में प्रवेश करने से रोका जा सकता है लेकिन किसानों की आवाज़ उठाने से नहीं। आपको बता दें कि शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र का आगाज होना था। आपके सांसदों ने किसान आंदोलन के समर्थन में इसके बहिष्कार का ऐलान किया था लेकिन संसद में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। आज की चौथी बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि महात्मा गांधी का हत्यारा नफरत और सांप्रदायिकता की भावना से भरा हुआ था। दुखद यह है कि वही विचारधारा आज भी जिंदा है। अखिलेश यादव ने ये बातें महात्मा गांधी के शहीदी दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए सभी समाजवादियों को एकजुट हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में गरीबों निर्दोषों को सताया जा रहा है, किसान नौजवान मारे मारे फिर रहे हैं, जायज मांग उठाने पर लाठियां चलती है, CBI और ED का प्रयोग विपक्षियों के चरित्र हरण के लिए किया जा रहा है, भाजपा झूठ नफरत और अफवाहों की राजनीति करती है। आज की पांचवी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई घटना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया है। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। आपको बता दें कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ पुलिस की झड़प के बाद गणतंत्र दिवस के दौरान ऐतिहासिक लाल किले में हिंसा की घटना सामने आई और पुलिस को किसानों को लाल किले के बाहर निकालने के लिए भी बल का प्रयोग करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा के ठीक नीचे एक खाली गुम्बद पर सिख धर्म का झंडा फहराया दिया था। आज की छठी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा भले ही नहीं हुई लेकिन सियासी बयानबाजी तीखी होती जा रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका देने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब से हमने बंगाल चुनाव लड़ने की घोषणा की है, बैंड बाजा पार्टी जिसे कभी कांग्रेस के रूप में जाना जाता था, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम बीजेपी की बी टीम है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी ऐसी बातें कहने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि क्या मैं केवल एक ही हूं जिसके बारे में वो बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी और का नहीं हूं बल्कि जनता का हूं। ये मजा नहीं आता कांग्रेस दूसरी पार्टियों में, अपने पास ही चलता ये मिर्ची है ना यहाँ पर मजलिस से मुखालिफत। हम बिहार में इलेक्शन लड़े, बिहार में इलेक्शन 20 सीट पर हम इलेक्शन लड़े। अच्छा पहले बिहार से पहले कर्नाटका असेंबली के इलेक्शन में हम
कुमारस्वामी और देवेगौड़ा साहब की तायीद करे। ये हमारे को नहीं मालूम था तायीद करे। जब उन्हें सीएम बन रहे थे मैं मुल्क से बाहर था, उमरा करने जा रहा था। बोले आप आओ, मेला मैं नहीं आता। बोले क्यों नहीं आते, मेला मैं ढाई पे नहीं खड़े रहता, एक से एक हमा किस्म के लोग बैठे, मैं नहीं आ सकता। और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे कुमारस्वामी, कांग्रेस के साथ जाकर आप पछताएंगे, याद रखना। गए, मगर आप देखे तो क्या है, कुमारस्वामी भी बीजेपी के साथ हाथ में हाथ पकड़ के रोमांस कर रहे हैं। चेयरमैन हमारे को दे दो, तुम वाइस चेयरमैन, ये कैसा मोहब्बत है रे तुम लोगों, एक पे रहना ना, वो भी नहीं। अब चेयरमैन का इलेक्शन है, हमारे को चेयरमैन दे दो, हमारे को वो दे दो। अरे गारत का घड़ा बढ़ता नहीं तुम लोगों का, जो भी हमारे को लाओ 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 ला। जो भी है खींच लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में 20 सीट पर हम लड़े, 5 पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। अब बचिए जो 15 सीट है, 9 सीट पर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएलए बनके महागठबंधन बनाया। 9 पे वो जीत गया हमारे खिलाफ, 6 पे नीतीश कुमार और बीजेपी जीते। अच्छा वो 9 वो जो जीते, जहां पर हमारे 9 कैंडिडेट थे उनकी मेजॉरिटी हमारे को वोट मिले उससे बढ़ के मिले। जो 6 एनडीए जीती, पानी पिला है हिम्मत, हम सबको पानी पिला रहे, हमारे को बॉटल दे रहे। 6 सीट पे एनडीए जीती, उनका जो टोटल वोट था वो मजलिस के उम्मीदवारों से बढ़ के था हर कैंडिडेट का। मगर उसके बाद शुरू हो गए, देखो उन्हू करे, देखो उन्हू करे। अरे प्यारे 70 साल से कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हुआ था, अब खड़ा हुआ बोलने के लिए, आओ मैं खड़ा हूं तुम्हारे को कराऊंगा, क्या करते करो तुम। अब क्या किया तुमने बताओ? आज बिहार की सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर, सीमांचल की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया और वहां की खास तौर से खवातीन से जब जाकर मीडिया के लोग पूछते थे अब की बार किसको वोट देंगे, वो गोल टोपी वाले को दे रहे। मेरे को जब मालूम हुआ, मेरा गोल टोपी तो सबकी गोल रहती, ये बोले नहीं वो गोल टोपी वाला। तो मीडिया के लोगों ने बोला क्यों देंगे, तो हमारी माँ और बहन ने कहा कि उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, हमको इख्तदार की कुर्सियों पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि दलित मुसलमान से इंसाफ हो। मुझे कोई मिनिस्टर बन के अपनी गाड़ी पे लाल लाइट लगाए टाई टाई करके निकलना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि अगर मेरा नुमाइंदा कामयाब होगा तो वो जब ऐवान असेंबली में जाएगा तो गरीबों की आवाज बनेगा, वो मजलूमों की आवाज बनेगा, वो हक के लिए लड़ेगा, ऐवान को हिला के रख देगा। हमको अब तक हम सिर्फ ओहदों के लिए कामयाब करती आए, अब हमको ओहदों की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर की बनने की जरूरत नहीं है। हमको बेबाक नुमाइंदे चाहिए जो मुसलमानों के मसाइल को समझे, जो दलितों के इंसाफ के लिए लड़े। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम। इसीलिए आज आप देखते हैं कि जहां हम जाते हैं वहां पे शुरू हो जाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटका में इंशाअल्लाह ताला आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में, चाहे गुलबर्गा हो, बीजापुर हो, बिदर हो, जहां कहीं भी हम लड़ेंगे इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन का आगाज बल्दिया के इलेक्शन से होगा। बल्दिया में आप कामयाब करेंगे तो असेंबली में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। असेंबली में कामयाबी मिलेगी तो फिर दिल्ली को आप किसी को अपना रुकने पार्लियामेंट बनाकर भिजाएंगे। लोग कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम हमको सपने दिखा रहे हो, तुम हमको ख्वाब दिखा रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी भी कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो, तुम ख्वाब देखना शुरू करो। इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, कुर्बानियां देंगे, लड़ेंगे, जेल को जाएंगे, हुकूमतों से टकराएंगे, मगर ये वक्त
हमारे ख्वाबों को पूरा करने का है। अगर आज नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल हमसे कहेगी कि अब्बा जब तुम 30-35 साल के थे, अगर तुम थोड़ा सा मेहनत कर लेते, अगर तुम थोड़ा सा मजलिस का परचम उठा लेते तो वही परेशानी का मुझे सामना नहीं करना पड़ता अब्बा जो तुमने अपनी जवानी में तकालीफ उठाई।